लिए जब मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी जेब में धर के ले जाऊं मैया। अरे बेटा कन्हैया, हाँ, ऐसी तो मैं बाजार से गुड़िया मंगवाए दूंगी। गुड़िया ना मैया बहू चाहिए। अरे तो बहू बता तो सही कैसी लेगो। अरे मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। और मैया कर दे मेरो ब्याह। और मैया कैसे गुण चाहिए हमें, कैसे अजी गोरी गुण बारी। ओए भोरी सी बिचारी, भन कारे नथवारी बाड़े। गोप की लली लली ढूंढ देरी माए, या में तेरो कहा जाए जट दूल्हा बनाए। बात मान ले भली मेरे छोटे हाथन बीच रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी। बैठी अभी नीला बहुत बाकी है। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह, मैया की सुन गोरी सी होनी चाहिए। थोड़ा शांति बना करके निकल जाए आप लोग धीरे धीरे। भोजन बटन की बातन में लग रही है, तुम्हारी भंडारे घर में दूध उपन गोए। तो यशोदा मैया ने जब देखा कि मेरा दूध उपन गया। मैया मैया सखी का कह रही है, सखी न्यू कह रही है भंडारे घर में भूत आए गोए। अरे मैया भूत ना आयो, दूध उपन गो। का कह रही है ब्रज गोपी? मैया सखी कह रही है भंडारी दूध पी के उफन गो। भंडारी दूध ही उफन गो, मैया रसोई में जाओ। तो कन्हैया को यशोदा मैया भंडारे घर में हुआ है वो मंगला बछरा मूत के सुबह को मार पीट के चली गई। और यहाँ उनके जो साथी मन सुखा हैं, उन्होंने भी उनको कहा कि कन्हैया तुम्हारी माँ तो तुम्हें थोड़े से दूध के ऊपर मार के भाग गई। सारे सुनो, ओ कन्हैया सारे कमाल है गो है। काहे गो? सारे तेरी मैया तो ते प्रेम ना करे है। प्यार ना करे? हाँ। सारे बहुत प्यार करे। वही कह रही थोड़ी देर पहले कि दूध को का प्यार, भूत को प्यार है। अच्छा। और जब सखी ने कही गोबर चोटी ने आके दूध फन गो और तू मार के और पीट के भाग गई। अच्छा भैया, अगर सारे ऐसे अगर हमारी मैया हमें मार पीट के भग जाती पता हम का करते सारे सबरे घर में आग लगा दे तो भैया मैं आग लगा और सबरे घर मूड पे उठाए के जमुना जी में बहा दे तो मैं बहा दूं भैया। देख ऐसो मत करे तू। तो कैसो करूं? एक बार की बात। हाँ ऐसे ही माजरो मेरे संग में भयो। अच्छा भैया। हाँ कैसो भयो? कैसो भयो? मेरी मैया हाँ मोकू सात मंजिल पर खिला रही न्यो। हाँ जी, ये 50 रुपया श्री लाल सिंह जी की तरफ से भगवान की लीला में दान हुआ है। भगवान सदा सुखी रखे। ऑल बाकी बिहारी लाल की जय। मोकू गोदी में लेके लाल लड़ा रही सात मंजिल पर। अच्छा भैया। एक गोबर चोटी आई मैया हाँ तेरो दूध फन गो। फिर मैया जैसे मोकू छार रही न्यो ऐसे। हाँ ऐसे खिला रही। अच्छा भैया। माने कही दूध फन गो मोह छोड़ के चली गए, मैं सात मंजिल पे नीचे आयो। सारे तू जिंदा बच गो। हाँ मरो ना बच गो। अच्छा। फिर मैंने कहा करो मैंने सबरो घर उठा के मूड पे और जमुना जी में बहा दियो। सबरे घर में आग लगा दे। अच्छा पर तू पतो ऐसो मत करे। भैया आग लगा दूं मैं अपने घर में? आग मत लगा। आग लगा दूंगा। एक काम कर। क्या करूं बता? जो माट मटका है ना बन्ने तू फोड़ दे। फोड़ दूं? तू फोड़ दे मैं बन्ने खा लूंगा माखन मिश्री ने। अच्छा सारे बड़े चतुर है। अरे सारे हाँ तू भी खाइयो संग में। ठीक है तो फोड़ दूं। हाँ और सारे जब मैया मारेगी जब मैया मारेगी हाँ सारे मैया ना मारेगी मैं तो भगा के ले जाऊंगा दूर। ठीक है तो चल सारे फोड़ दे। हाँ ला कहाँ माट मटका कहाँ है? तो भगवान ने उस दही के मटका को
और यशोदा माँ के आंगन में जो रखा था उसे फोड़ दिया, और जो दही दूध है माखन है उसे सब ग्वालों को खिला दिया, क्योंकि भगवान बड़े क्रोध में थे कि मुझे माने मारा है। तो इसलिए भगवान वो दही का जो मटका है उसे फोड़ देते हैं, और देखो ये दूध दही सभी मनसुखा मिलके खाते हैं। अरे रात श्याम सपने में आयो मेरे दही ये पी गयो रात श्याम सपने में आयो जब श्याम ने मटके पकड़े ओ मटकी कर गई रात श्याम सपने में आयो ये पी गयो जबई श्याम मेरे सेज पे आयो जबई श्याम मेरे सेज पे आयो और अखियां खुल गई रात श्याम सपने में आयो कहिए पी गयो हरी यशोदा मैया देख हरी मैया हरी मैया माखन सारे हमका बताओ फैला दियो देने अरे ओले क्या सारे मैया मारेगी हरी मैया हरी मैया खट्टो माखन हरी मैया तुम्हारे भंडारे घर में माटी के माट मटका फूटने की आवाज आ रही है चलियो मैया निक बोला पतो कौन फोरे हरी मैया बोला पतो माइपी पतो चलेगी चल हरी मैया मो तो ऐसा लग रो ब्रज गोपी या मेरे भंडारे घर में मोर घुस गए क्यों क्यों हरी मैया मोर की आवाज आ रही है मोर ना घुसे बिलोटा घुस गए बिलोटा दे एक बिलोटा से बुरो लेरी ले ये बिल्लो खड़ी है बिलोटा खड़े ये घुस गए और देख मैया दूसरा बिलोटा भेरो तो कन्हैया को यशोदा माँ पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन भगवान बूढ़ी माँ के हाथ कैसे आएंगे सटिया फिरे लिए नजरानी तो सखी ने देख लिया कि यशोदा माँ बड़ी परेशान है इनको कुछ उपाय बताना चाहिए मैया गिरा दे बताओ मैया पकड़ लेटी ले 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 अरे मैया मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ तुम्हारो लाला कैसे आता बेगो देख मैया हाँ अपने लाला सतयुग के भक्तन की सौगंधे खवाओ अच्छा हाँ ताजा बेगो हाँ सखी का कह रही है का कह रही है कांग्रेस के नेता ने पकड़ के कन्हैया को दे दो कन्हैया हाथ आ जाए वो कांग्रेस के नेता अरे अरे ब्रज गोपी छोड़ हाँ मैया कांग्रेस हती कहा कह रही है अपने लाला सतयुग के भक्तन की सौगंधे खवाओ अरे बेटा कन्हैया ओ मैया कहा कह रही है न्यो कह रही है सतुआ घोर के पिवा दो कन्हैया को लाला सत्तु पीवेगो मैया ले अरी मैया अपने अपने लाला त्रेता युग मैया हाँ यो कह रही है सखी का कह रही है अपने लाला को तीन तोता पकड़ के लाओ पकड़ के दिखा दो अच्छा एक तोता धोए तोता हाँ तीसरा तोता जी ठाड़ो नीम की बगल में लैया ब्रज गोपी पकड़ के ओ मैया हाँ देख मैं कन्हैया पकड़ लाऊ पकड़ ले का देगी तुम को बेटा माखन दूंगी माखन खवावेगी बहुत ज्यादा अच्छा अरे हमारे यहाँ माखन की ताजी कमी है मैं क्या रहूं कन्हैया पकड़ के ला लाला पकड़ ला हट जा हट जा सखी ओ कन्हैया परे हुआ सारे यंत्र पे
हाँ भैया सारे। हाँ सारे। तेरी बूढ़ी 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 मैया हाँ कितनी परेशान है। हाँ। पूरे नंदगांव में डोल रही है। अच्छा। अब हाल कोई रिपट गई अगर घोटू फूट गो हाँ। तो बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। अच्छा सारे चले सकर मैया के हाथ आ जाए। मैया के हाथ सारे मैया इतने गुलचा मारेगी कि गाले लाल कर देगी। चल तू मेरे संग चल मैं। अच्छा। तो पकड़ मांगू ना आ जा। अच्छा ना पकड़ यशोदा मैया ये कौन को लाला है तेरो ना है। अरे बेटा मुझे काव ब्रज गोपी के लाला काय को पिटवा रहा हूँ। डोगरी कितनी चालाक है अपनो छोरा छोड़ दियो दूसरे को छोरा मार रही है। अरे बेटा मैं ऐसी ना हूँ मैं अपनो जैसो सबकी बेटी बेटा को समझू। हाँ पूछ काय की कह रही है। अरे मैया हाँ अपने लाला द्वापर के भक्तन की सौगंधे खवाओ। अरे लाला कन्हैया हाँ मैया दोकू द्वापुर के भक्तों की कसम है जो तू मेरे हाथ में नहीं आवे। मैया पकड़ ले टीली नीली जर। भगवान ने एक भी सौगंध का मान नहीं रखा। सकीनियों कह रही है दो पापड़ भूंज के खवा दो कन्हैया। तो जय हो रंजन दो। तो लास्ट में गोपी ने बताया अरे मैया मैं तुम्हें एक लास्ट उपाय बता रही हूँ अगर तुम्हारा लाला नहीं आता है तो मेरी सास की सौगंध है अपने लाला कलयुग के भक्तन की सौगंध खवाओ जरूर आता जावे। ये कलयुग के भक्त उठ उठ के जा रहे हैं इनके कहा कसम खवाऊं। लाला कन्हैया हाँ मैया तुको कलयुग के भक्तन की सौगंध है जो तू मेरे हाथ में नहीं आवे। अरे भैया कलयुग में तो मेरे कऊ भक्त नहीं है। अरे कलयुग के बल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ये पारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतर ये पारा। मैया अरे भैया कलयुग में तो मेरा एक भक्त नहीं है और प्यासो आज मैं अपनी मैया के हाथ में आई जाऊं। मैया ले मैया मुझे पकड़ ले। यशोदा माँ ने कन्हैया पकड़ लिए और कन्हैया यशोदा माँ के पास आ गए लेकिन फिर भी माँ की गुस्सा शांत नहीं और कहती है अरे आज कौन तो छोड़े। हाँ मैया आज मैं आपको बांध के रहूंगी है। हमारे यहाँ 9 लाख गाय है और नित पित ही ताजा ताजा माखन होयो करे है। शस्त्र रही मथाने प्रतिदिन चलो करे है और तू ब्रज गोपिनी के घर में जावे है माखन चोरी करे वे है और ये मेरे घर में तहानो देवे को आमे है। आज मैं तुकू बांधूंगी। अरे ब्रज गोपियो हाँ मैया लाओ रस्सी लेके आओ। ये लो मैया मेरे गैया को लोभना है। तो यशोदा माँ अनेकों रस्सियों में बांधने की कोशिश करती है भगवान श्री कृष्ण को लेकिन सभी दो अंगुल छोटी होती है। ले गैया के लोमनाए लाइए और कछु ना मिलो। अरे मैया मैं बरसाने जा रही हूँ श्री श्यामा जी। अरे ब्रज गोपी तू कछु लाइए कि पागल आई हूँ। दो आंगुर घट हो तो सबन मिल पुन पुन योर मंगावे। आज जन कहा है गयो है मैं अपने कन्हैया को बांधवे को ताई चलू हूँ तो कन्हैया बंध ही ना है। अरे ब्रज गोपी और कछु लाई है। अरे नंद गांव में मिलो नरसा बरसाने को जाऊंगी बरसाने में जाके मैया प्रेम को बंधन लाई। बरसाने दे जाके मैया प्रेम को बंधन लाई। ला मैया हाँ मैं बरसाने ते लाई हूँ एक प्रेम डोरी। यो बताओ ब्रज गोपियो हाँ। या नंदगाम में रस्सी जेवरन क्यों कमी पड़ गई जो तुम बा बरसाने ते प्रेम की डोरी लाई। हाँ मैया श्री श्यामाजुन ने दिए और प्रेम में तो कन्हैया पहले से ही बंधते चले आए हैं तो आज भी बंध गए और मन में विचार कर रहे हैं कि जीनी
जीनी ये प्रेम की डोरी मो पे तोरी न छोड़ी जा जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोरी न छोड़ी तोरी न छोड़ी जाए और मो पे बंदी न खोली जाए जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोरी न छोड़ी जाए अजी साकर होए तो तोड़ दिखाऊं साकर होए तो तोड़ दिखाऊं बजरे होए तो पीस उड़ाऊं धनुष होए तो तोड़ू छिक में नित न तोड़ी जाए जीनी जीनी प्रेम की तोड़ी उसे तोड़ी छोड़ी जाए। अरे बहन हम श्याम सुंदर है बंधवाया ये तो चल बहन खुलवाया में चल बहन चल बहन अरे मैया तुम्हारी पामन ने लागू खुश रहो ब्रज गोपियो आनंद में रहो मंगल चार में रहो। अरे मैया हाँ ब्रज गोपियो तुम श्याम सुंदर को खोल दे हो। अरे ब्रज गोपी आज तुम्हें कहा है गयो है मैंने अपने कन्हैया को बांधो है तुम्हें ही प्रतिदिन मेरे घर आयो करे और कहो करे ही अरे मैया तुम्हारो लाला बड़ो छलिया है बड़ो नटकट है चलती हुई ब्रज गोपी की आंखों से कजरा को चुराए ले है और आज वही काना को तुम खुलवाए वे को आई है। देखो ब्रज गोपी मैं तुम्हारे तानिन को सुन सुन के तंग आ चुकी हूँ मैं अपने कन्हैया को नहीं खोलूंगी चली जाओ यहाँ से। अरे मैया तुम सुन लियो अगर तुम श्याम सुंदर ना खोलेंगी तो मैं खोल दूंगी। अरे ब्रज गोपी तो कू तेरे ससुर की सौगंध है जो तू याकू खोले। अरे मैया मेरो ससुर जावे चूल्हे में मैं तो खोलूंगी तो ये तेरी सास की सौगंध है जो तू मेरे लाला को खोले। अरे मैया मेरी सास जाए भट्टी में मैं तो खोलूंगी तो ये तेरे बच्चन की सौगंध है जो तू याकू खोले। अरे मैया मेरे सभी बाल बच्चे जामे तालाब में मैं तो खोलूंगी। सुन ब्रज गोपी हाँ मैया ना जाने आज इन ब्रज गोपिन को है कहा गयो है जो मेरी एक बात नहीं सुन रही है। हाँ तो कु यही की सौगंध है या कन्हैया की ही सौगंध है जो तू याकू खोले। अरे कहा करूं बल खोल जो देती पर तुमरी सो दिवाई जसोदा तेरो कठिन ही ओरी माई। हे प्यारी श्याम सुंदर मैं क्या करूं मैं तुमको खोल देती पर मेरी तुम्हारी मैया है तुम्हारी कसम खबा दी है तो मैं ना खोल पाऊंगी। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं गोपियों तुम अपने स्थान पर जाओ और माँ यशोदा भी अपने कार्य में लग जाती है लेकिन जिसके लिए भगवान ने ये लीला को रचिया है जिसको प्रकट किया है क्योंकि यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे उस आंगन में उनका उद्धार भगवान को करना था इसीलिए भगवान ने ये मटका फोड़ने वाला जो लीला जो भगवान ने दिखाई वो इसी कारण कि उन वृक्षों का उद्धार करना है। तो यशोदा माँ ने कन्हैया को उखल से बांधा था और उस उखल को खींचकर भगवान वहां तक ले गए। अभी लीला बाकी है बच्चों ऐसा ना समझे। तो जब उखल से बांधा तो वो पेड़ों के पास खींचकर भगवान उखल को ले गए और वो यमला अर्जुन के वृक्षों से जैसे ही स्पर्श हुआ उसमें से दो पुरुष निकले। शरण है शरण है शरण है प्रभु आपकी शरण है। हेलो हाँ देखिए हमारे और आपके बीच श्रीमान सम्मानी एस के सिंह साहब कानपुर से आज हमारे निधाम आश्रम पर पधार चुके हैं हम उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजवाते हैं। बोलिए राम बिहारी सरकार की जय। आज जो इस आश्रम की शोभा चमक रही है और इस आश्रम निधाम में जो कुछ दिखाई दे रहा है
तो हमारे सम्माननीय सिंह साहब की बहुत बड़ी देन है। ये जंगल में आज ये मंगल खिल रहा है तो हमारे सिंह साहब उनकी ही देन है। परमात्मा भोले बाबा उन पर बड़ी कृपा बनाए रखे ताकि वो यहाँ पर एक नजर डालते रहे। उनका और उनके परिवार का आज कमेटी धन्यवाद करती है। जय जय भोलेनाथ की। जय हो। भगवान ने उनसे पूछा कि भैया आप कौन हो? शरण हो प्रभु। हे प्रभु, हम कुबेर भंडारी के पुत्र हैं। नल कोवड़ मड़ी करीब हम दोनों भैयान को नाम है। दयालु, एक समय की बात है, हम सब गंधर्व बालक मंदाकिनी गंगा में अपनी अपनी अपसरान को लेके स्नान कर रहे हते। तो देव ऋषि नारद जी न जाने जन कहाँ सुहरी गुण गाते भई, वीणा को बजाते भई, वहाँ प्रकट भई। तो सब गंधर्व बालक ने नारद जी को देख के उनको आदर सत्कार कियो, सम्मान कियो, दंडवत प्रणाम कियो। परंतु हम दोनों भैया जल में जड़ की तरीके से खड़े रहे। तो देव ऋषि नारद जी महाराज को क्रोध आयो, तो उनने हमको श्राप दियो कि जाओ तुम दोनों भैया जल में जड़ की तरीका से खड़े हो, जाओ तुम जड़ है जाओ। हमने जल से बाहर निकले, उनकी क्षमा याचना की, दंडवत प्रणाम कियो। हमने कही प्रभु, जो आपने हमको श्राप दियो ये सुरधार है, परंतु हमारे उद्धार कैसे होगा? तो उनने कही कि द्वापर के अंत में कलयुग के आद में आपको अवतार होगा ब्रजमंडल में माँ यशोदा के यहाँ। हम दोनों भैया नल कुवड़ मड़ी ग्रीब एक इमली के वृक्ष यहाँ प्रकट हुए, आपको अंग स्पर्श भयो, हमारे उद्धार भयो। धन्य तो वो ऋषि जिनने हमको श्राप दियो, धन्य प्रभु आप जो आपने हमारो उद्धार कियो। भैया मैंने लीला करके आपको उद्धार कर दियो, अब आपको कहाँ चाहिए भैया? प्रभु आपको हो तो हम आपको खोल दें। नहीं भैया, ये मेरी मैया ने मोकु बांधो है और मेरी मैया ही खोलेगी। हे प्रभु, अब हमको कौन सी वस्तु की आवश्यकता है? अब हमें काऊ वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जब प्रभु आपके दर्शन है गए हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। तथा भैया ऐसा ही होगा। ओ मैया, भगवान जब आप हमें देना चाहते हैं, हाँ भैया, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, ना इच्छा धन धाम की, ना इच्छा संतान की। इच्छा यही है भक्ति करूं भगवान की। आप हमें चरणों की भक्ति दीजिए भगवान। एक वस्तु ऐसा ही होगा भैया। जय हो। अरे मैया हो मैया, तो यमला अर्जुन के वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर गए मैया। अरे मेरे बेटा जी का है। अरे मेरा ऐसा हृदय कैसे आया? अरे मेरे बेटा, अरे बेटा कन्हैया, तेरे कहीं लगी तो ना है लाला? अरे मैं लेरी ले अपने कन्हैया को बांध के भूल गई। जरूर जेवरी जिन में बांधो, पुन पिन फिर पछतावे। अरे वे रस्सी जल क्यों नहीं गई, जिन में मैंने अपनो लाला को बांधो। अभी भगवान की आरती और कुछ? अभी भगवान की आरती कराएंगे। आरती कराने के पश्चात अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे और समय से पधारेंगे आप कल 2 बजे से भगवान की लीला। और यहाँ जो कल लीला होगी वो होगी मीराबाई। आप लोग मीरा चरित्र के दर्शन करेंगे, बड़ा ही सुंदर चरित्र है मीरा चरित्र। आप लोग आए और मैं शीलू यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के मंच पे भगवान की आरती करें। शीलू यादव जी पधारें और आरती करो भैया। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। नाथ मथुरा में जन्म ध्वन, नाथ मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगल चार कियो, यशोदा गोद खिलैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की।
नाथ तुम कंस असुर मारो और नख पे गोवर्धन धारो और काली नाग नथैया की अधर धर बोली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर बोली बजैया की कृष्ण तुम जसुदा के छैया श्याम सब पलदाऊ भैया हर बन बन गाय चरैया की अधर धर बोली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर बोली बजैया की।